नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन शो देश हित, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। देश हित यानी वो शो जिनमें वो खबरें जिनमें आपका हित और इस देश का हित। मैं हूं आपके साथ अमन। शुरुआत देश हित की 20 बड़ी खबरों के साथ। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार, अब तक 723 लोगों की मौत, करीब 4,814 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1752 मरीज, 37 लोगों की मौत, एक दिन में 489 संक्रमित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक, अब तक 6,430 कोरोना पॉजिटिव, 283 लोगों की मौत। कोरोना वायरस जांच पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा देश में 5,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट, दुनिया के कई देशों से कम लोग मिले हैं संक्रमित। कोरोना काल में फिर आई असहिष्णुता गैंग की चिट्ठी, 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों की प्रधानमंत्री और सीएम को चिट्ठी, मुसलमानों के साथ भेदभाव का। कोरोना को लेकर असद ओवैसी का बड़ा आरोप, कहा मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। कोरोना संक्रमण काल में डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लेने वाले को जेल के बाद मिली जमानत, कहा धन कोई वजह नहीं, सफाई नहीं होने की वजह से किया इनका। फरहान मौलाना साहब ने दिल्ली पुलिस को दी क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी, कहा मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, पुलिस ने मांगी रिपोर्ट। कोरोना संकट और लॉकडाउन की समीक्षा करने गई केंद्रीय टीम का पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप, गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा ऐलान, अभी देश में नहीं हुआ है कोरोना के थर्ड स्टेज का संक्रमण। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के बेहतर नतीजे, सीएम केजरीवाल ने कहा 4 में से 2 मरीज की हालत हुई बेहतर, ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेशन की अपील की। सरपंचों से संवाद में पीएम मोदी ने की कोरोना से जंग में गांव की भूमिका की तारीफ, कहा गांव ने दुनिया को दिया 2 गज दूरी का संदेश। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, दिल्ली के चांदनी चौक में उमड़ी खरीदारों की भीड़। थाने के मुमरा में भी रमजान की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी बेअसर। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी योगी सरकार, 14 दिन क्वारंटीन पूरा करने वाले मजदूरों की वापसी की योजना पर तैयारी जारी है। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को एक्टर अक्षय कुमार ने समर्पित किया तेरी मिट्टी सॉन्ग का नया वर्जन। कोरोना काल में कोटा में फंसे बिहार के छात्रों का घर वापसी के लिए हॉस्टल में अनशन, नीतीश सरकार से बिहार वापस बुलाने की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान अब तक मारे गए 18 आतंकवादी, साल 50 आतंकवादियों का काम तमाम। साधुओं की हत्या के 9 दिन बाद पालघर के गढ़चिंचली गांव में सीआरपीएफ की तैनाती, एनआईए जांच की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,00,000 के पार, अब तक 1,92,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 7,50,000 से ज्यादा ठीक भी हुए। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।